यहाँ पे इससे द्वारा जनरेट हुई वैल्यू इसके द्वारा प्रूफ करनी पड़ेगी। अब आप अपने आप का म्यूट कर सकते हैं अगर कुछ बोलना हो तो। टारगेट पे ध्यान देंगे, ए माइनस बी चाहिए। अगर मैं कॉलम को ऐसे चलाऊं कि कॉलम वन को ऐसे चलाया, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, कॉलम वन को कॉलम टू से माइनस किया, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके साथ साथ C2 को ऐसे चलाया C2 माइनस C3, 1 माइनस 1, B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, अब आप जानते हैं जैसे आप एक कॉलम से उठा सकते हैं वैसे जैसे रो से उठा सकते हैं वैसे कॉलम से भी उठा सकते हैं। तो A माइनस B यहां से उठाया, जीरो वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां से बी माइनस सी उठाया, जीरो वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, वन सी सी, अब सौ बन गया, अब सौ बन गया। तो एक्सपाइंड तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी जो हाई था, जीरो इंटू एन देंगे जीरो, जीरो इंटू एन देंगे जीरो, वन इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बचा गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए बी, बी पावर सी माइनस ए। तो देखा जाए तो ए माइनस बी और बी माइनस सी तो थे ही थे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए। टोटल में सी माइनस ए कॉमन, सी प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से आपका आंसर आ जाए।